नमस्कार, खबर दिनभर में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा करने वाले सांसदों के खिलाफ आज कड़ा एक्शन हुआ है। कांग्रेस के 9 सांसदों समेत कुल 14 लोकसभा सांसदों को शीतकालीन सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। डीएमके के सांसदों में कनिमोजी और प्रतिदान को भी निलंबित किया गया है। इसके अलावा सीपीआई के एक सांसद पर एक्शन लिया गया है। निलंबित होने वाले कांग्रेस सांसदों में टीएन प्रतापन, हिबी ईडन, एस ज्योतिमणि, रम्या हरिदास और डीन कुरिया को शामिल है। इनके अलावा कांग्रेस के ही मणिकम टैगोर, वीके श्रीकंदन पर भी कार्रवाई की गई है। बवाल काटने वाले 14 सांसद निलंबित। स्टेटमेंट दे दो ये ऐसे बोलने के लिए, ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। जो माननीय स्पीकर ने आदेश दिया है सरकार उसका पालन कर रहे हैं, तो इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं, इसमें पॉलिटिसाइज मत करो। सरकार जो स्पीकर के आदेश अनुसार और स्वयं जो घटना हम सब जो सत्ता पक्ष के लोग भी जो देखे हैं, सरकार के भी जो प्रमुख लोग उधर बैठे थे हम लोग देखे हैं, वी आर वेरी सेंसिटिव ऑन दिस। हम तो ये नहीं कर रहे आपके काल हमारे कालखंड, ये बात भी हम नहीं कर रहे। हम कह रहे जो पहले का जो प्रेसिडेंट है, स्पीकर जैसे आदेश किया था उसके अनुसार हमने कार्रवाई, उस टाइम भी उसका उस टाइम के स्पीकर भी अपने विजडम के आधार पर जो काम किया था, प्रेसिडेंट है वो, प्रेसिडेंट के आधार पर हम काम कर रहे हैं। तो वेल में आना जो डिसीजन हुआ था, कुछ लोग मुझे ये भी पूछ रहे थे इतना जल्दी सस्पेंड क्यों किया, और अपोजिशन पार्टी सब इसके लिए स्वीकृति किया है कि जब भी ये जो प्लेकार्ड लेके अंदर आएंगे और वेल में आएंगे, तो स्पेशली जब प्लेकार्ड लेके अंदर आएंगे तो तुरंत सस्पेंशनों का ये डिसीजन हुआ है, सबने स्वीकारा है। तो अभी जो घटना लेके आप पॉलिटिसाइज करना चाहते हैं, ये जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं फिर से भारत सरकार के पार्लियामेंट अफेयर्स मंत्री के नाते मैं निवेदन करना चाहता हूं, तो स्पीकर जो कुछ भी आदेश करेगा, सदन जो कुछ भी निर्णय लेगा, उस निर्णय और स्पीकर का आदेश सरकार के लिए सर्वोपरि है। वहीं कौन कौन से सांसद सस्पेंड हुए हैं उनके नाम भी आपको बताते हैं। ये सांसद हैं जो सस्पेंड हुए हैं, के सुब्बरायन सीपीआई, डेरेक ओब्रायन टीएमसी, टीएन प्रतापन कांग्रेस सांसद, हिबी ईडन कांग्रेस सांसद, एस ज्योतिमणि कांग्रेस सांसद, रम्या हरिदास कांग्रेस सांसद, इसके अलावा डीन कुरियाकोस कांग्रेस सांसद, वीके श्रीकंदन कांग्रेस सांसद, बन्नी बेहनन कांग्रेस सांसद, मोहम्मद जावेद कांग्रेस सांसद और कनिमोजी डीएमके सांसद। वहीं साल 2014 से लेकर अब तक किस पार्टी के कितने सांसदों पर कार्रवाई हुई है ये भी आपको बताते हैं। तो कितने सांसद हुए हैं सस्पेंड, कांग्रेस के 52 सांसद, एआईडीएमके के 34 सांसद, टीडीपी के 14 सांसद, आम आदमी पार्टी के 1 सांसद, वाईएसआर कांग्रेस के 1 सांसद और बीजेपी के 0। इंडिया वॉइस के संवाददाता ने बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल से की खास बातचीत, आइए आपको सुनाते हैं। जिस तरीके से लगातार अमित शाह का इस्तीफा मांगा जाए, सदन आज भी स्थगित कर दिया लगातार, क्योंकि विपक्ष हावी होता नजर आ रहा है कि ऐसी घटनाएं बीजेपी सरकार में भी हुई हैं और बीजेपी की तरफ से ही वो पास दिया गया था। बात करेंगे हमारे साथ राज्यसभा सांसद हैं अनिल अग्रवाल जी। जिस तरीके से लगातार विपक्ष हावी हो रहा है,
अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी पर भी सवाल खड़े हैं, क्या लगता है विपक्ष को ये ऐसी स्थिति में जो हंगामा हुआ? देखिए, कल की जो घटना हुई है वो ठीक नहीं है, उसकी मैं निंदा करता हूँ। लेकिन आज वो लोग माननीय गृहमंत्री जी से इस्तीफा मांग रहे हैं जिनके 4 से 14 के शासन में क्या क्या नहीं हुआ। देश में हर जगह बम फटते थे, कानून व्यवस्था बद से बदतर थी, इंटरनल सिक्योरिटी का रिव्यू किया जा रहा है, पार्लियामेंट सिक्योरिटी रिव्यू हो रही है और निश्चित रूप से जो भी आवश्यक होगा वो कदम उठाए जाएंगे। राजनाथ सिंह ने लगातार पास पर भी आज सवाल खड़ा किया है और सिक्योरिटी को टाइट करने का जो जिम्मा दिया था तो उसको पूरी तरह से जाँच की जाए, क्या लगता है जो राजनाथ सिंह जो बीजेपी सांसद पास बनाते हैं उस पर बैन लगाया जाएगा, जो पहले भी मीडिया को भी 200 मीटर दूर रखा गया? देखिए, मैंने कहा ना पूरे सिस्टम का रिव्यू किया जा रहा है और न केवल पार्लियामेंट की सिक्योरिटी, पूरे देश की सिक्योरिटी माननीय गृहमंत्री जी बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं। आज हिंदुस्तान के नागरिक अमन चैन से सो रहे हैं और जहां भी जो चीज़ें हैं उनको और बेहतर किया जाएगा, ठीक है और बेहतर किया जाएगा। सर, अन्य पार्टियां बीजेपी के मुख्य मुद्दे की तैयारी कर रही हैं, जहाँ से मोदी लड़ेंगे वहीं से चुनाव लड़ेंगे, क्या लगता है 2024 में सबसे बड़ा जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश 80 सीटों में आता है, क्या लगता है कि मोदी हरा पाएंगे? मुझे लगता है मुंगेरी लाल के सपने वो लोग देख रहे हैं, देखने में सपने देखने से आदमी को जिंदा रहने में मदद होती है। माननीय मोदी जी आज हिंदुस्तान के नहीं पूरे विश्व के बड़े नेता हैं और उनके नेतृत्व में जिस प्रकार G20 सम्मेलन हुआ, पूरा विश्व उनको आज प्रॉब्लम सॉल्वर के रूप में देखता है। जिस प्रकार भारत की जनता की उन्होंने सेवा की है, गरीबों को मकान दिया है, गृहिणियों को गैस सिलेंडर दिए हैं, गैस के चूल्हे दिए गए हैं, आयुष्मान कार्ड बने हैं, किसान भाइयों को किसान सम्मान निधि मिली है, मेडिकल संख्या कॉलेजेस की संख्या बढ़ी है, ट्रेन्स की संख्या बढ़ी है, ट्रेन्स का गति दिया जा रहा है, बिल्कुल भ्रष्टाचार रहित सरकार दी है, आज सरकार पे किसी भी प्रकार का कोई आरोप नहीं है और 2004 से 14 जब जनता उसकी तुलना करेगी कि वहाँ हर दिन एक नया घोटाला आता था, तो निश्चित रूप से ये गठबंधन है ही नहीं, ठगबंधन है। और आप इनके नेताओं को देखिए ना, ममता जी अधीर रंजन से लड़ती हैं, कांग्रेस के खिलाफ हमारे अखिलेश जी रोज कुछ ना कुछ कहते हैं, केजरीवाल जी पंजाब में कुछ कहते हैं, दिल्ली में कुछ कहते हैं और बाकी जब मीटिंग में जाते हैं कुछ कहते हैं, इनका आज तक संयोजक तय नहीं हुआ, कौन नेता होगा वो तय नहीं हुआ, सीट शेयरिंग तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन हाँ ये जरूर है ये माननीय मोदी जी के डर से गठबंधन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता इस प्रकार के किसी भी गठबंधन को स्वीकार नहीं करेगी। और ये पूर्व में भी 19 में भी हुआ था ना, उत्तर प्रदेश में बहन जी और अखिलेश जी में हुआ था, क्या हुआ, चुनाव खत्म हुआ और गठबंधन समाप्त हो गया। तो जनता जानती है कि ये केवल एक भ्रम फैला के वोट लूटना चाहते हैं, लेकिन देश की जनता बहुत समझदार है और वो अपना वोट विकास के लिए, माननीय मोदी जी के लिए, 2047 भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए देगी। क्या जो अभी 5 राज्यों चुनाव हुए थे वो 2024 का फाइनल कोई बीजेपी 3 राज्यों में बहुमत से आई है, जो कि पेपर्स कहता कोई भी बीजेपी को सीट नहीं मिलेगी, क्या लगता है ये बिल्कुल फाइनल 2024? भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को, छोटा चुनाव हो बड़ा चुनाव हो, पूरी संजीदगी से लड़ती है। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, चाहे ग्राम पंचायत स्तरीय चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, हम पूरी निष्ठा के साथ जनता की सेवा करते हैं। और माननीय मोदी जी, मैंने कहा ना विश्व के नेता हैं, आप देखिए जहाँ ये सब कहते थे कुछ नहीं होगा, बड़ी बड़ी राहुल जी तो कहते थे लिख के रख लीजिए, लिख के कहाँ गया वो, देश की जनता, सभी प्रदेशों की जनता माननीय मोदी जी पे विश्वास व्यक्त कर रही है और माननीय मोदी जी भी पूरी निष्ठा के साथ जो उनका संकल्प है कि 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है उसके लिए 24 घंटे का। आखिरी सवाल है, POP की बात लगातार सदन में उठाई जा रही है, 12 सीट रखने की भी बात कही है, क्या लगता है 2024 से पहले या बाद में POP भारत में होगा? हमारे वर्तमान गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं, POK हमारा था, हमारा है, हमारा ही होगा, सही समय पर निर्णय लिए जाएंगे और POK भारत का ही हिस्सा है, हम इसको
तय कर चुके हैं। तो बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी बात है राज्य सांसद नील अग्रवाल जी तक काफी पीओके हमारा है, हमारा ही रहेगा, और उसको फाइनल शायद झारी झंडी भी दिखा दी गई है। दिल्ली से अजय चौहान, इंडिया वॉइस। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर की। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर विवाद से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को मंदिर से सटी शाही ईदगाह परिसर के सर्वे को मंजूरी दे दी है। सर्वे किस तरह से किया जाएगा, इसका तरीका 18 दिसंबर को तय होगा। तरीका तय होने के बाद हाईकोर्ट आपत्ति पर सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने इससे पहले 16 नवंबर को संबंधित पक्षों को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। सर्वे की मांग वाली ये याचिका भगवान श्रीकृष्ण विराजमान और 7 अन्य लोगों, अधिवक्ता हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, प्रभात पांडे, देवकी नंदन के जरिए दायर की गई थी। याचिका में दावा किया गया था कि भगवान श्रीकृष्ण की जन्मस्थली उस मस्जिद के नीचे मौजूद है और ऐसे में कई संकेत मिले हैं जो ये साबित करते हैं कि वह मस्जिद एक हिंदू मंदिर है। सिविलाइजेशनल बैटल में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि अगर कोई किसी मंदिर परिसर के अंदर घुस के उसे गलत ढंग से मस्जिद कहने लग जाए तो वो मस्जिद नहीं, महाजिद होती है। और इसी के लिए उस शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने के लिए हमने सिविल सूट दायर किया था। सिविल सूट की इम्पोर्टेंस देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस केस को अपने पास मंगाया ओरिजिनल ट्रायल के लिए, और आज ऐतिहासिक फैसला देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि वहाँ पर एडवोकेट कमीशन के द्वारा एडवोकेट कमीशन का सर्वे होना चाहिए। उस मांग को इन प्रिंसिपल अलाउ कर दिया है। कितने मेंबर एडवोकेट कमीशन पैनल होगा, कौन कौन उसमें जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट उसको कैसे प्रोटेक्शन देगी, क्या क्या मॉडलिटीज होंगी, कितने बजे से होगा, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कैसे होगी, ये सारी मॉडलिटीज 18 दिसंबर को तय। अयोध्या हुई हमारी, अब है मथुरा की बारी। आज माननीय उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है, हमारे न्यायमूर्ति ने जो फैसला किया, हिंदू समाज के लिए बड़ा गौरवपूर्ण विषय है। श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए बहुत अच्छा विषय है, हमारे श्री कृष्ण भक्तों के लिए बड़ा अच्छा विषय है। अब मुस्लिम पक्ष की ईदगाह वालों जो बिल्कुल ही सिरे से खारिज हो गया है कि 7/11 नहीं सुनी जाएगी, अब 26/9 हमारी प्रार्थना पर सर्वे की एप्लीकेशन 18 दिसंबर को सुनी जाएगी, क्योंकि माननीय न्यायालय में हम लोगों ने कहा था कि अर्जेंसी एप्लीकेशन, हमें अर्जेंसी है, ये हमारे कुएं को तोड़फोड़ कर रहे हैं, हमारी भगवान श्री कृष्ण जन्म बड़ा जनरेटर लगा लिया है, वहां से दरार आ जाएगी, हमारे हिंदू प्रतीक चिन्ह हटाए जा रहे हैं। इस पर सुनवाई अब 18 दिसंबर को फाइनल कर दी गई है। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर था, उसको मुगल शासकों द्वारा कई बार तोड़ा गया, लास्ट में औरंगजेब द्वारा तोड़ा गया। आज मथुरा में माननीय इलाहाबाद कोर्ट ने जो फैसला दिया है, बहुत ही सराहनीय फैसला है। सभी हिंदुओं में, सभी ब्रजवासियों में खुशी की लहर है। अब हमने पहली सीढ़ी पार कर ली है, अब बहुत जल्द मथुरा कोर्ट में, मथुरा जन्मभूमि मंदिर पर ईदगाह मस्जिद में कोर्ट कमीशन सर्वे होगा। माननीय इलाहाबाद कोर्ट का फैसला आया है कि अब ईदगाह मस्जिद का सर्वे होगा। सर्वे में पता चलेगा कि मां हिंदू मंदिर के कौन कौन से प्राचीन साक्ष्य थे। दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाएगा। ये बहुत ही सराहनीय फैसला है। सभी ब्रजवासियों में, सभी सनातन हिंदुओं में खुशी की लहर पहुंच गई है और सभी एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार कर रहे हैं। हमीरपुर के कोतवाली क्षेत्र के जखेड़ी इलाके में तेज रफ्तार ट्रक ने 3 साल के मासूम को रौंद दिया, जिससे मासूम की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि ट्रक चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने मासूम के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सिद्धार्थनगर जिले के मेडिकल कॉलेज में भ्रष्टाचार चरम पर है। दरअसल माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज में ओपी वार्ड में गरीबों को 1 रुपए में मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं में विभाग ने लूट मचा रखी है। बता दें कि किसी से 2, किसी से 5 से लेकर मरीजों से रजिस्ट्रेशन की पर्ची बनवाई जा रही है और रजिस्ट्रेशन शुल्क लेने के बाद भी बाकी बचे पैसे वापस नहीं किए जाते। यूपी के बांदा जिले में तैनात महिला जज ने इच्छा मृत्यु मांगी है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को लेटर लिखा है। इसमें कहा है कि भरी अदालत में मेरा शारीरिक शोषण हुआ है, मैं दूसरों को न्याय देती हूं मगर खुद अन्याय की शिकार हुई हूं। जब मैंने जज होते हुए इंसाफ की गुहार लगाई तो 8 सेकंड में सुनवाई करके पूरा मामला अनसुध कर दिया गया। मैं लोगों के साथ न्याय करूंगी ये सोचकर सिविल सेवा ज्वाइन की थी, मगर मेरे साथ ही अन्याय हो रहा है। मेरे पास सुसाइड के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए मुझे इच्छा मृत्यु की परमिशन दी जाए।
वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर का दौरा किया है और पूजा अर्चना की। अगली खबर रायबरेली से है, जहां बहुचर्चित अधिवक्ता नबी अहमद हत्याकांड मामला हाईकोर्ट में राहत मिली है। बता दें कि दोषी दरोगा शैलेंद्र सिंह को जमानत मिली है। दरोगा शैलेंद्र सिंह 8 साल बाद जेल से रिहा होंगे। खबर रायबरेली से है, जहां दबंगों को पुलिस का कोई खौफ नहीं है। बता दें कि दबंगों ने स्कूली छात्रों को दौड़ा दौड़ाकर पीटने का मामला सामने आया है। इस दौरान घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। साथ ही पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की शुरुआत कर दी है। चौबीस के लोकसभा चुनाव से पहले अब एनडीए गठबंधन में भी सीट शेयरिंग को लेकर माथापच्ची की सुगबुगाहट सुनाई देने लगी है, जिसमें एनडीए के तीनों घटक दल अपनी अपनी सीटों पर नजर बनाए हुए हैं। सुभाषपा, निषाद पार्टी और अपना दल तीनों ही सीटों को लेकर गठबंधन पर दबाव बनाने की तैयारी में है, जिनको साधना अब बीजेपी के लिए पहली चुनौती है। लोकसभा चुनाव के चलते उत्तर प्रदेश में मिशन 80 के लिए माइक्रो मैनेजमेंट में जुटी बीजेपी के सामने सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे को लेकर चुनौती बढ़ने लगी है। हालांकि बीजेपी इंडिया गठबंधन से सबक लेते हुए सीटों के बंटवारे को लेकर अपने सहयोगी दलों को नाराज नहीं करना चाहेगी। इसीलिए माना जा रहा है कि बीजेपी बहुत जल्द यूपी में अपने सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे को लेकर रणनीति को अंतिम रूप दे सकती है। मगर मिशन 80 में जुटी बीजेपी के लिए सबसे बड़ी टेंशन ये कि सीट शेयरिंग में 80 सीटों में कितनी सीटों पर अपने सहयोगी को रण में उतारे। दरअसल बीजेपी की ख्वाहिश है कि वो ज्यादा से ज्यादा 70 से ज्यादा सीटों पर अपने प्रत्याशी को चुनावी रण में उतारे और 10 सीटों पर बाकी सहयोगियों में बंटवारा हो जाए। इतना ही नहीं, खबरें ये भी हैं कि बीजेपी बकायदा कई सीटों पर अपने सिंबल पर सहयोगी दलों के प्रत्याशी को उतार भी सकती है। यानी सिंबल होगा बीजेपी का कमल का फूल और चेहरा होगा सहयोगी दल के प्रत्याशी का। ऐसे में सवाल ये कि क्या इस फॉर्मूले पर सहयोगी दल तैयार होंगे। चुनाव करीब आते ही बीजेपी के सहयोगी दल अब बीजेपी पर सीटों के बंटवारे को लेकर दबाव बनाने लगे हैं। मगर छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में मिली जीत के बाद सुभाषपा हो या फिर अपना दल या फिर निषाद पार्टी, सबके तेवर सीट शेयरिंग को लेकर कुछ नरम दिख रहे हैं। सुनिए अपना दल का चेहरा अनुप्रिया पटेल क्या कुछ कह रही हैं। देखिए, सीटों की संख्या के संदर्भ में अभी कोई भी चर्चा हमारी नहीं हुई है। फिलहाल मैंने जो आपसे कहा कि 2024 में उत्तर प्रदेश का जो रिकॉर्ड है कि सबसे ज़्यादा मजबूती हमारी एनडीए की सरकार को उत्तर प्रदेश से मिलती है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि सहयोगी के रूप में हमारा कंट्रीब्यूशन हमेशा की तरह ज़बरदस्त हो, और इसलिए हम अपने संगठन को धार देने में लगे हुए हैं। सीटों के बंटवारे का जब चर्चा का समय आएगा तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से चर्चा हो जाएगी, उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। हमारा समन्वय बहुत बेहतरीन चल रहा है। इसके साथ साथ सहयोगी दलों ने कुछ सीटों पर अपनी दावेदारी भी पेश करना शुरू कर दी है। बीजेपी के सहयोगी दल सुभाषपा, अपना दल और निषाद पार्टी ने मिलकर एक साथ अपनी सीटों की डिमांड रख दी है। खबरें ये भी उड़ रही हैं कि बीजेपी के साथ बीते दिनों गठबंधन को लेकर एक बैठक भी हुई, जिसमें सुभाषपा ने 3 सीटों की डिमांड की है। सुभाषपा की तरफ से जिन सीटों की डिमांड की गई है उसमें चंदौली, गाजीपुर और घोसी की सीट पर उनकी दावेदारी है। वहीं अपना दल एस ने 5 सीटों की डिमांड बीजेपी के सामने रखी है, जिसमें मिर्जापुर, प्रतापगढ़, अम्बेडकर नगर, फतेहपुर और जालौन की सीट शामिल है। यही नहीं, निषाद पार्टी ने भी बीजेपी पर सीट की दावेदारी को लेकर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। मगर बात कांग्रेस की या फिर उनके इंडिया गठबंधन की करें तो अभी भी सीट शेयरिंग को लेकर कोई भी फॉर्मूला नहीं निकाला गया है। इंडिया गठबंधन के सभी साथी चाहते हैं कि शीघ्र ही
सीटों का बंटवारा तय हो और जो दूसरे मुद्दे हैं रणनीति पर वो सारी चीजें फाइनल हो, तो कांग्रेस पार्टी भी उस पर काम कर रही है। हमारी बैठकें लगातार कोऑर्डिनेशन कमेटी की चल रही हैं और जो केशव मौर्य जी कह रहे हैं बिल्कुल सच है, हमको शीघ्र ही सीटों के बंटवारे की स्थिति स्पष्ट करके चुनाव में जाना होगा। कांग्रेस पार्टी उसको लेकर गंभीर है, हम तैयारी कर रहे हैं और शीघ्र ही आपके सामने आ जाए। तो ऐसे में सवाल ये कि क्या मोदी योगी के चेहरे के आधार पर यूपी के चुनावी रण में उतर रही बीजेपी अपने सहयोगियों को साध लेगी? क्या सहयोगी साथ चलकर मिशन 80 को फतेह बना पाएंगे? देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।